हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल समोसे की रेसिपी टिप्स के साथ में शेयर करूंगी, जिससे जो समोसा है एकदम मार्केट जैसा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगा, और इसको आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इस टेस्टी समोसे की रेसिपी को। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले समोसे का डो लगाएंगे। मैंने ये 1.5 कटोरी यहाँ पर आटा लिया है, थोड़ी सी इसमें ये अजवाइन है इसको क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा सा ये नमक, 1.5 टेबल स्पून ये ऑयल है इसको भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी इंग्रेडिएंट्स को। इसी तरीके से अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स करना है। आटे का लड्डू जैसा बना के देखिए, इस तरीके से देखिए आटा बाइंड होने लगा है, आटा एकदम सही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदेंगे। समोसे का डो लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो डो है वो टाइट होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो समोसा है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। आटे को इसी तरीके से मसल मसल के लगा लेंगे। देखिए एकदम टाइट रखना है आटे को, डो है वो चिकना हो चुका है। इसको थोड़ी देर और मैश करेंगे। आटा लग चुका है, देखिए एकदम चिकना हो गया है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे जो आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक समोसे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैं ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई में, थोड़ा सा ये मस्टर्ड सीड, जीरा, ये थोड़ी सी सौंफ है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। सॉटे कर लेंगे सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से जो उनका टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो इनको ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी कटी हुई प्याज, इसको भी भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। एक बार आप इस तरीके से समोसे बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी समोसे बनते हैं। ये देखिए प्याज भुन चुकी है। स्पाइसेस में ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला है इसको भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ये जीरा पाउडर, इसको डालने से जो टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। 1 चम्मच ये आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ये काली मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी स्पाइसेस को। इसी तरीके से प्याज के साथ में भून लेंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। यहाँ पर जो उबले हुए आलू हैं उनको ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। आलूओं को इसी तरीके से स्पैचुला से मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं स्पाइसेस के साथ में। यहाँ पे थोड़े से उबले हुए चने हैं, आपके पास हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा ये पनीर है इसको भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ये नमक है अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। इसी तरीके से चलाते हुए स्टफिंग को 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। समोसे की स्टफिंग बनके एकदम तैयार है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। समोसे के लिए जो आटा लगा के रखा था उसको चेक कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से मैश करना है आटे को और इसको इस तरीके से छोटी छोटी पीसेस में डिवाइड कर लेंगे।
आपको समोसे का साइज जैसा रखना है उसी हिसाब से आटे की बॉल्स बनाइए और इस तरीके से इनको रोल करते हुए इनकी लोइयां बना लेंगे। इसी तरीके से सारी लोइयों को बना के रख लेंगे। एक लोई पे सूखा आटा लगा के अभी इसको बेलेंगे। इसी तरीके से रोल करते जाएंगे। इसको लंबी शेप में बेलना है, एकदम गोल नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप एकदम गोल कर दोगे तो जो समोसे का शेप है वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा लंबी शेप में आपको बेलना है इसको। देखिए इसी तरीके से इसको ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रख करना है। देखिए इस तरीके से इतना होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। अभी इसको बीच से कट करके इसको दो पीसेस में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा पानी ले रही हूँ इसको सील करने के लिए। इस तरीके से आपको साइड से लगाना है पानी को और यहाँ से बीच से पकड़ते हुए आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से, और अच्छे से चिपका देंगे इसके किनारों को इस तरीके से। बीच में स्टफिंग डालेंगे तरीके से, प्रेस कर लेंगे स्टफिंग को। इसके बाद में किनारों पे फिर से पानी लगाएंगे और बीच का भाग पकड़ के आपको इस तरीके से बंद करना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपका समोसा बनके एकदम तैयार है। समोसों की शेप भी अच्छी आई है। इसी तरीके से सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। अभी इनको फ्राई होने के लिए तेल में डालेंगे। समोसे फ्राई करते टाइम आपको ध्यान रखना है जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो समोसे की ऊपर वाली लेयर है वो फूल जाएगी और जो समोसा है वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल ही लो रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है और इसी तरीके से लो फ्लेम पे ही समोसे को फ्राई करना है। इस तरीके से पलट पलट के इनको तल लेंगे। ये देखिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे तब तक इनको इसी तरीके से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। समोसे आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको निकाल के टिश्यू पेपर पे डाल लेंगे जिससे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक बार आप इस तरीके से समोसे बना के देखिए, बहुत ही अच्छे समोसे बनते हैं, एकदम जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं ना उसी तरीके से बनेंगे। सारे समोसे को इसी तरीके से निकाल लेंगे। निकाल के एक टिश्यू पेपर पे डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे समोसे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही अच्छे समोसे बने हैं। इन गर्मा गर्म समोसों के ऊपर थोड़ा सा बुकनू डाल के आप इनको टमेटो सॉस, ग्रीन चटनी, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो समोसा चाट बना के भी खा सकते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से समोसों को खाइए और दूसरे लोगों को भी सर्व कीजिए। आई होप आपको ये समोसे की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।